यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक शकीर अली ने महिलाओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। जी आपको बता दें कि विधायक ने ताव में आकर कहा अगर महिलाएं थाना फूकेंगी तो उन्हें सजा देने के बजाय क्या पुलिस चुम्मा लेगी। दरअसल इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी। आपको बता दें कि यूपी के देवरिया जिले से रामपुर दुबे गांव के एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के विरोध में लोगों ने ना सिर्फ जमकर बवाल किया बल्कि महुआ डी पुलिस चौकी को भी आग लगा दी। सीएम अखिलेश यादव ने रविवार को विधायक शाकिर अली को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के लिए कहा और लेकिन वहां पहुंचते ही विधायक का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एसपी विधायक का आपत्तिजनक बयान, जी हां, शाकिर अली ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हां, महिलाओं पर देवरिया के विधायक शाकिर अली का विवादित बयान। महिलाएं थाने फूकेंगी तो क्या पुलिस चुम्मा लेगी। जी हां, इस तरह का विवादित बयान शाकिर अली ने दिया है और आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम 3 दिन पहले शुरू हुआ था। अखिलेश यादव ने शाकिर अली को जायजा लेने के लिए थाने भेजा था और वहां पर शाकिर अली का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे डाला। जी हां, आपको बता दें कि एसपी विधायक है शाकिर अली और शाकिर अली ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी कर डाली। शाकिर अली का कहना है कि महिलाएं थाना फूकेंगी तो क्या पुलिस चुम्मा लेगी। जी हां, इस तरह का विवादित बयान देते हुए शाकिर अली ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। जी आपको बता दें कि शाकिर अली ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए महिलाओं पर टिप्पणी कर डाली है।